राम राम भी सारा ने, आई होप सारे ठीक हो गए। तो आज इस वीडियो में भाई हम अपनी बाइक की जो चेसी है वो कट करेंगे और उसको एक डिज़ाइनिंग का पता लग जाएगा, मतलब कैसी लुक आ रही है, तो वो आपको वीडियो में देखने में मिल जाएगा। अभी मैं अंदर जाके और अपनी बाइक जो हमने लगा रखी है, टायर हमने दोनों इंस्टॉल कर लिए थे, उसमें आपने पिछली वीडियो में शायद देख लिया होगा, और आज उसकी चेसी कट करके और सीट बनाने की कोशिश करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ उसमें एक काउल भी लगा दूँ, पीछे छोटी सीट लगा के काउल लगा दूँ, पूरी सीट ना बना के, तो वो आगे देखेंगे वीडियो में, आपको पता लग जाएगा जो कुछ मैं करूँगा। तो वीडियो को एंजॉय करो। तो भाई चेसी हमने कट कर दी, ये कुछ लुक है। इतनी लंबी रखने की सोच रहा हूँ मैं कि सीट है ना जो, क्योंकि हमें काउल भी लगाना है बाइक में, तो वो थोड़ा सीट भी थोड़ी ठीक ठाक बन जाए और काउल के लिए भी जगह बच जाए। और पीछे बतेरी है, बहुत जगह है पीछे की साइड, टायर बहुत निकला हुआ। वैसे मैं नॉर्मली इससे छोटी कर देता हूँ, पर अपनी जो कैफ्रेसर है वो खड़ी वहाँ पर, वो उसकी मैंने सेम कर रखी है। पर उसका क्या है कि जो झूला ना वो लंबा है, और जो हमने वैसे अपनी स्प्लेंडर सेम चेसी के ऊपर बनाई है जिसका हमने झूला लंबा नहीं कर रखा, उसमें मैं छोटी करता हूँ। जो ये आपको शॉकर के पीछे वो दिख रहा ना, फर्स्ट होल जो दिख रहा है, मैं आधा रखता हूँ, उसमें सिंगल बंदे के लिए एनफ होती है वो, बट हमें क्या थोड़ा लंबा करना है तो उसके लिए मैंने इसमें छोड़ दी है। और हैंडल, इससे आपको लुक का थोड़ा एस्टिमेट आ गया होगा। और अभी हमें शॉकर भी ऊपर करने हैं, शॉकर रेजर मैंने ला के रख रखे हैं, वो उसमें फिट करेंगे और जिस साइड थोड़ी ऊपर हो जाएगी और वो लगेगी भी नहीं। ये कुछ इस टाइप की बाइक अपनी लगेगी, ये देखो लुक। और चेसी अभी और कटेगी क्योंकि जो गैप मैंने छोड़ रखा है सीट का, इतना रखेंगे और चेसी यहाँ तक काट देंगे, जिससे ये काउल जो पीछे का ना, इससे पीछे काउल अलग से दिखे। अब तो चेसी दिख रही है ना, तो अभी इमेजिन नहीं कर लो लुक कैसी आ रही है। मेरे हिसाब से जो शेप है ना वो आगे भी मैच करे और पीछे भी, और जब ये चेसी कट जाएगी और जब काउल रखा जाएगा ना, तो भाई भयंकर शेप आनी है इसकी, अच्छी लुक निकल के आएगी। और अभी शॉकर ऊपर भी होंगे तो बाद में आपको इसका पता लगेगा, अभी तो बस इमेजिन कर लो। तो अब इसको एक बार चेसी वगैरह काट लेता हूँ और उसके बाद मैं उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको आगे की प्रोसेस। तो भाई काउल हमने लगा दिया है और काउल की फिटिंग हमने बना दी और सीट का भी बेस तैयार हो गया, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है और दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। भाई चेसी कट हो गई अपनी बाइक की और फाइनली अब लुक देखो, फ्रंट मडगार्ड हो गया, पीछे का हो गया, ये काउल काउल मडगार्ड में इसका दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों काम करेगा, मडगार्ड का भी और काउल का भी। और सीट की फिटिंग बना रहा हूँ, ऊपर से लाइट चली गई भाई, तो थोड़ा सा काम बचा फिटिंग का, और फिटिंग भी अभी रेडी हो जाएगी बाइक की। और अब आपको थोड़ा वो दिखेगा इसका कि जो हम तैयार कर रहे थे ना कैसी लुक निकल के आएगी। और एक इसका स्टैंड निकालना है क्योंकि अभी बचा हुआ काम, तो इसलिए मैं इसको रोक रखा है, स्टैंड इसमें टायर में लग रहा है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो उसको भी निकाल देंगे। और जो पत्ती है ड्रम ब्रेक वाली, वो थोड़ी सी और इधर करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट की थी, तो वो दोबारा से लग रही है, तो उसको भी दोबारा सेट करेंगे। तो ये है भाई, एक बार इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद इसको बाहर निकाल के दिखाऊंगा आपको कि कैसी लग रही है बाइक जब स्टैंड वगैरह हट जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से आज हटा ही देता हूँ स्टैंड को, देख लेता हूँ अगर कुछ ज़रूरत होगी, ठीक है, नहीं तो आज स्टैंड को भी रिमूव कर दूंगा और फिर इसको बाहर निकालूंगा। तब तक ये जब तक स्टैंड काम है तब तक रहेगी अंदर, उसके बाद बाहर निकालेंगे और फिर इसकी लुक आपको पता चलेगी, और फिर इसका जो अपना मास्क बनाना है उसका भी काम चालू करेंगे। तो भाई अपनी बाइक के लिए थोड़ा सामान लेके आना था, वो मैं ले आया, जो साइड पैनल्स है वो ले आया दोनों मैं लगाने के, पहले तो मैं सोच रहा था कि उसको हटा दूँगा खाली करूँगा, पर यार फिर मैंने सोचा कि जो ओरिजिनल एयर फिल्टर होता ना उसकी मेंटेनेंस कम होती है, और जो हम आफ्टर मार्केट लगाते हैं उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है, और वो फिर बैटरी वगैरह का भी नई जगह बनानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं सोचा कि वैसे लगा देते हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं, वो भी लगा के दिखा दूँगा अभी आपको। वैसे वो मैंने इंस्टॉल कभी कर दी है और जो अपनी सीट थी वो कंप्लीट हो चुकी है, सीट मैंने बना के और उसकी पूरी मतलब पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको और फिर वो लगा के दिखाता हूँ, फिर लुक चेक करना और बताना कि मतलब कैसे लुक आ रही है। तो वही ये रही अपनी सीट, और इस पर वैर की बार मैंने ना एक वेलवेट का कपड़ा लगवाया, ऊपरी साइड जैसे लेदर होता ना वो जब थोड़ा पसीना आता ना तो इरिटेशन कर देता, मतलब परेशान हो जाते हैं उसमें, ये क्या है वेलवेट में बिल्कुल सॉफ्ट है भाई, और अंदर जो फोम यूज़ होती है ना वो भी अब की बार मैंने, पहले क्या होता था हार्ड, पहले नीचे हार्ड होती थी और ऊपर सॉफ्ट कोटिंग होती थी, अब की बार मैंने पूरी पूरी सॉफ्ट कोटिंग ही करवाई है, ये देखो बहुत सॉफ्ट है भाई, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कुशनिंग इस बार इसकी। तो अभी मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ, सबसे अच्छी जो चीज़ लगी मेरे को यार ये वेलवेट का ये लग रहा ना, बट इसमें दिक्कत एक थी यार, ये ब्लैक कलर ही था और कलर नहीं थे,
नहीं तो अगर ब्राउन होता तो ब्राउन करवा लेता, क्योंकि जैसे हम बाइक को अगर ब्लैक कलर करते हैं ना तो उसके साथ में ब्राउन अच्छा लगता है। और वो खड़ी अपनी बाइक, तो एक बार लगा के दिखाता हूँ आपको सीट फिटिंग वगैरह। हमने इसकी सारी बना ली भाई, डायरेक्ट इसमें ये नट लगा रखे हैं, इसमें फिट हो जाएंगे। हो जा होगी, ये देख लो इसके यहाँ से ये नट इसमें टाइट हो जाएंगे और ये हो जाएगी। अभी तो ये बच्चे हुए यार, ये वेल्डिंग वगैरह करनी है इसकी, और पीछे से एक पोर्शन एक पार्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो इसमें पानी जाएगा ना अंदर एयर फिल्टर में। तो ये बचा हुआ भी काम, पहले आप ये देखो ये अपने साइड पैनल ये मैंने लगा दी, इसके स्टिकरिंग वगैरह उतार के और वो बाद में कर लेंगे। एक बार इसको सीधा कर देता हूँ हैंडल को। एक इसका यार स्टैंड भी बड़ा करना पड़ेगा, ज़्यादा ही छोटा है। छोटे छोटे काम बचे अभी इसमें, एक मेन काम तो इसका हेड का बचा हुआ है जो इसका मास्क हमें बनाना है। तो अब लुक चेक करो और बताओ, सीट देखो, सीट इसमें छोटा सा गैप है, ये मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बार बार मैं ना अगर इसके ऊपर से कवर कर देता ना मैं जो नट लगा हुआ है टंकी का, तो बार बार सीट निकालनी पड़ेगी तब टंकी खुलेगी वो, तो इसलिए मैंने थोड़ा गैप ही छोड़ दिया। तो अब ये डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगी और यहीं पे हो जाएगी, क्योंकि और सीट की फिनिशिंग देखो भाई, पीछे की साइड जो अपना काउल है ना बिल्कुल उसके लेवल पे, और जो गोड़ाई थी वो भी कर रखी है हमने इस पर। तो ये लुक है। और एक बार मैं आपको, अभी तो धूप है भाई बहुत ज़्यादा, तो इसको बाहर निकाल के भी दिखा दूंगा। और बैठ के मैंने देखा इस पर, और पूरी सॉफ्ट कुशनिंग में कोई दिक्कत नहीं है।